गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन लास्ट क्लास वी लर्न पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पिछले क्लास में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट परफेक्ट टेंस। वी लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन प्रीवियस क्लास। पिछले क्लास में हमने एक टेंस पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा था, बस उसी तरह से हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। सिर्फ यहाँ पर टाइमिंग का फर्क है, यानी कि टाइमिंग का डिफरेंस है पास्ट और प्रेजेंट में। जो प्रेजेंट परफेक्ट में हम प्रेजेंट के बारे में बोल रहे थे और पास्ट परफेक्ट में हम यहाँ पर पास्ट के बारे में बोल रहे हैं। सो वी यूज दिस टेंस, वेयर वी यूज, हियर इज द, हियर आई रोट द यूज ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का कहाँ पर यूज किया जाता है, यहाँ पर लिखा है, जैसे कि यूज देखो, टू इंडिकेट दैट एन एक्शन वॉज कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन बिगेन। यानी अगर पास्ट में ऐसी एकाधी एक्शन पूरी हो रही है जहाँ पर दूसरी एक्शन शुरू हो रही है, दूसरी एक्शन शुरू हो रही है और उसी समय पर दूसरी एक जो एक्शन चल रही थी वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, वो बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस हमने क्या लिया था, हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव, बट यहाँ पर हमें क्या लेना है, ओनली हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थर्ड, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंस। इस तरह से स्ट्रक्चर है, सीधा साधा स्ट्रक्चर है। एंड आई रोट हियर वन एग्जाम्पल, अ सेंटेंस, आई हैड रिटन द लेटर, आई हैड रिटन द लेटर। यहाँ तक देखो, देन बिफोर ही अराइव्ड, बिफोर ही अराइव्ड। हमें क्या पता है, अगर दूसरी एखादी एक्शन शुरू हो रही है, एखादी एक्शन हो रही है, उसी समय पर दूसरी एक्शन क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, ऐसा बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। देखो, आई हैड रिटन द लेटर, इस सेंटेंस में मैंने लेटर लिखा था बिफोर ही अराइव, यानी कि वो आने से पहले मैंने क्या किया था, लेटर लिखा था। यानी कि जो आने वाली क्रिया थी उसे पूरी होते होते हमने ये भी क्रिया पूरी की, ऐसा बताने के लिए हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। ये सेंटेंस हमने लिखा है, आई हैड रिटर्न द लेटर। हमारे इस पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में ये सेंटेंस आता है, वी यूज सब्जेक्ट, देन वी यूज हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटर्न, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, देन द ऑब्जेक्ट अ लेटर बिफोर ही अराइव्ड। ऐसा ये सेंटेंस है, यानी ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का। देन वी कैन चेंज इट इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में हम इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे नेगेटिव में चेंज, वी नो, वी यूज नॉट ऑलवेज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त क्या करते हैं, यूज नॉट का यूज करते हैं। और इस सेंटेंस में हमारा, इस टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैड, हैड यूज करते हैं। इट मीन्स ऑब्वियसली वी यूज नॉट आफ्टर हैड। हम कहाँ पर यूज करेंगे नॉट का, हैड के बाद करेंगे। चलो इसका नेगेटिव बनाकर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन वी यूज फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस आई, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करना है हमें, नॉट, आई हैड नॉट, देन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटर्न द लेटर। बाकी सेंटेंस हम जैसे का तैसा लिखेंगे, लेटर बिफोर ही अराइव्ड, ही अराइव्ड, यानी हमारा नेगेटिव, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा यहाँ पर, फुल स्टॉप, यानी हमारा क्या बन गया है, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और हमने हर टेंस में पढ़ा है कि नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम क्या कौन से बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, वर्बल क्वेश्चन बनाते हैं, डब्ल्यू एच टाइप वर्बल बनाकर देखते हैं। और हमें ये भी पता है द वर्बल क्वेश्चन स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से क्या होती है, हेल्प वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत होती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा है हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब है, तो उसे क्या करना है, हमें स्टार्टिंग में लेना है। जो ले लेते हैं यहाँ पर हैड, देन उसके बाद क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट हैड आई, बाकी सेंटेंस हम लिखेंगे हैड आई रिटर्न, बाकी सेंटेंस जैसे कहते सही, रिटर्न द लेटर, रिटर्न द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, बिफोर ही अराइव्ड। हो गया हमारा वर्बल, वर्बल क्वेश्चन हो गया।
अभी इस वर्बल को हम निगेटिव भी बनाते हैं, हमेशा बनाते आए हैं हम हर टेंस में, यहाँ पर भी बना लेते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरुआत में लिख लेते हैं, देन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लेते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, हैड आई नॉट रिटर्न द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, बिफोर ही अराइव्ड, यानी हमारा ये वर्बल क्वेश्चन में निगेटिव भी हमने बना लिया है। देन वी विल मेक अ सेंटेंस इन वी विल मेक अ क्वेश्चन डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। अभी हम क्या बनाएंगे, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं, जैसे कि डब्ल्यू एच टाइप जो भी हमारे वर्ड्स है, जो डब्ल्यू एच फैमिली के हमारे वर्ड्स है, उनका यूज करके हम ये सेंटेंस लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेन से क्वेश्चन करेंगे, वेन से क्वेश्चन होता है, जैसे कि वेन से अगर पूछना है तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एच टाइप जो वर्ड है हमारा वेन, वो क्या करेंगे शुरुआत में लेंगे। देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर डब्ल्यू एच टाइप वर्ड, डब्ल्यू एच फैमिली का जो वर्ड है उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। वेन हैड आई रिटर्न द लेटर, द लेटर यानी मैंने खत कब लिखा था, है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने यहाँ पर बना लिया है। और इस तरह से क्या कर सकते हैं हम इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसका यूज एखादी पास्ट की एक्शन पूरी हो गई है ऐसा बताने के लिए हम करते हैं, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिया गया। इस स्ट्रक्चर में, इस कंस्ट्रक्शन में सेंटेंस लिख कर इस तरह से हम उसके क्वेश्चन यानी इस तरह से हम उसके सेंटेंस बना सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, इट वॉज अ पास्ट परफेक्ट टेंस। वी लर्न पास्ट परफेक्ट टेंस, हमने देखा, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा, और नाउ वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमने पढ़ा है, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी है। अगर वो समझ में आ गया है तो ये टेंस भी हमें आसानी से समझ में आएगा। सो यहाँ पर वी यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू अ सर्टन पॉइंट इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में एकादी एक्शन शुरू हो गई है और तब तक चल रही थी जब तक क्या हुआ कि पास्ट में एकादा पॉइंट है, एकादी एक्शन है वो खत्म हो नहीं जाती, तब तक दूसरी एक्शन यहाँ पर चल रही थी, ये बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उसमें हमने हैव बीन या फिर हैज़ बीन का यूज़ किया था, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन, ऐसा हमें यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर लिखा है, इस स्ट्रक्चर में हमें ये सेंटेंस लिखना है, ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर ऐसे लिखना है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन, ऐसा है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमारा सेंटेंस आना चाहिए, और किसके लिए, कि पास्ट में एकादी एक्शन चालू हो गई है, वो चल रही है, वो कंटिन्यूली कब तक चल रही है, जब तक दूसरी एक्शन वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती, वो एक सर्टन पॉइंट आता है वहाँ तक नहीं होती, उसे बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर व्हेन शी कोलैप्स्ड, वो क्या कर रही थी, लेटर लिख रही थी जब क्या हुआ, वो कोलैप्स हो गई थी, तब तक क्या कर रही थी, वो उस समय वो लिख रही थी, ऐसा यह इस सेंटेंस में हम कह रहे हैं, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ऐसा सेंटेंस है। ये सेंटेंस हमारा इस स्ट्रक्चर में आता है, जिसकी सब्जेक्ट हमने यहाँ पर यूज किया शी, देन हैड बीन राइटिंग अ लेटर व्हेन शी कोलैप्स, ऐसा सेंटेंस है हमारा, और ये सेंटेंस हमारा इस स्ट्रक्चर में हमारे आते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, देन वी यूज हियर हैड बीन, देन वी वन राइट को क्या लगाया, आई एन जी लगाया और राइटिंग किया, देन ऑब्जेक्ट अ लेटर, देन वी रोट एक्सटेंशन ऑफ दिस सेंटेंस व्हेन शी कोलैप्स, इस तरह से ये सेंटेंस है।
जिसकी शुरुआत पास्ट में हुई है और एक सर्टन जब कोलैप्स हुई उस समय तक ये एक्शन क्या हो रही थी, चल रही थी, राइटिंग की एक्शन चल रही थी। ऐसा बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। इस तरह से हमने ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा है एंड इट इज़ अ अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है हमें पता है। देन हमें ये भी पता है कि हम इसका निगेटिव भी बना सकते हैं। निगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लिखते हैं और निगेटिव बनाते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, शी हैड, नॉट कहाँ पर हैड के बाद, हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पर हैड है तो हैड के बाद क्या लिखाएंगे, नॉट, शी हैड नॉट बीन राइटिंग, बीन राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर व्हेन शी कोलैप्स, व्हेन शी कोलैप्स, ऐसा हमने यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस भी बनाया। देन वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि पहले वर्बल क्वेश्चन बना के देखते हैं हम। वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए भी बहुत ही ईजी है कि हेल्पिंग वर्ब आगे लाना है हमें, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैड, हैड इज अ हेल्पिंग वर्ब, सो वी यूज हैड इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हैड। देन सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज हियर शी, हैड शी देन बीन राइटिंग अ लेटर, यानी कि बाकी का सेंटेंस हमने जैसे का तैसा ही लिखना है, राइटिंग अ लेटर, अ लेटर व्हेन शी कोलैप्स, क्वेश्चन पूरा हो गया क्या, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर व्हेन शी कोलैप्स, हो गया क्या, नहीं, हमें क्या लगाना है यहाँ पर लास्ट में, जब तक हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तब तक उसे हम क्वेश्चन नहीं कर कह सकते। इट इज़ अ वर्बल क्वेश्चन, ये वर्बल क्वेश्चन है, इसका वर्बल क्वेश्चन भी हम निगेटिव बना सकते हैं, निगेटिव में लिख सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ हमें नॉट का यूज करना है, कहाँ पर करना है, हेल्पिंग वर्ब हम शुरुआत में लेते हैं वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, हैड को हमने शुरुआत में लिया। देन वी यूज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है, शी है यहाँ पर, इसलिए शी लिखा, हैड शी देन नॉट, व्हेन शी नॉट, नॉट का यूज कहाँ पर करना है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट का यूज करना है, हैड शी नॉट बीन, नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, बाकी सेंटेंस जैसे का जैसे लिखना, इसलिए हम लिख रहे हैं व्हेन शी कोलैप्स। ये हो गया हमारा निगेटिव वर्बल क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अफर्मेटिव बनाया, निगेटिव बनाया, देन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप वर्बल क्वेश्चन हमने बनाया, देन वी कैन मेक अ सेंटेंस इन डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन भी इस टेंस में हम बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि जब भी हम डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन बनाते हैं तो डब्ल्यू एच फैमिली का जो भी वर्ड है उसे क्या करते हैं हम, एट द बिगिनिंग, हम सेंटेंस की क्या करते हैं, बिगिनिंग में उसकी शुरुआत करते हैं, उसे लिखते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कि व्हाट से अगर क्वेश्चन बनाना है, जैसे कि व्हाट से अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, तो हमारा जो व्हाट है जो कि डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है, हमने इसको शुरुआत में यूज किया, एंड वी नो वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर डब्ल्यू एच टाइप वर्ड, जो डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, हैड है, व्हाट हैड, व्हाट हैड शी, शी देन वी हैव टू यूज बीन, यहाँ पर क्या यूज करना है, बीन, बीन राइटिंग, राइटिंग व्हाट हैड शी बीन राइटिंग, ऐसा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन भी बनाया हमने कि व्हाट हैड शी बीन राइटिंग, क्या लिख रही थी, क्या लिख रही थी वगैरह, तो लेटर आंसर होगा, ऐसा हमने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया। वी कैन मेक सेंटेंसेस ऑफ अफर्मेटिव, निगेटिव एंड वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लिख सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में,
इसका यूज कहाँ पर करते हैं, देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, देन सेंटेंस कैसे बनाते हैं इस टेंस में, ये सारी चीज़ें हमने इस क्लास में आज पढ़ी है। वी लर्न टू टेंसेज, टू टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों आज हमने यहाँ पर पढ़े हैं और दोनों इसके यूजेस, स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंसेस हमने यहाँ पर बनाए हैं। इट वॉज अ पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। थैंक यू।